आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूँ। आपको याद है बीजेपी जब विपक्ष में थी तब इसके नेता कैसे पेट्रोल डीजल की जरा सी कीमत बढ़ने पर आसमान सर पर उठा लेते थे। पिछले कुछ दिनों से हम आपको भाजपा नेताओं के पेट्रोल डीजल पर पुराने बयान सुना रहे हैं। आइए आज आपको पेट्रोल डीजल पर उनके कुछ पुराने ट्वीट्स दिखाते हैं। 2011 में स्मृति ईरानी ट्वीट करते हुए लिखती हैं, पेट्रोल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी, लगता है यूपीए मूल्य वृद्धि पर लोगों के आक्रोश की अनदेखी कर रही है। ये सत्ता का अहंकार और गरीबों की जरूरतों के प्रति अनसंवेदनशीलता है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ये 2011 का ट्वीट है, जिसमें वे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर साइकिल की सवारी करते नजर आ रही हैं। वसुंधरा राजे का ये 2013 का ट्वीट है, जिसमें वे लिखती हैं, इस महीने में तीसरी बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, आम आदमी पर एक और बोझ। ये अनुराग ठाकुर का 2012 का ट्वीट है, जिसमें वे शिमला में पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि और सरकार की दिशाहीन आर्थिक नीति के विरोध में जेल भरो आंदोलन के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अब जरा आज की हकीकत देख लीजिए। पेट्रोल की दरअसल सेंचुरी लग चुकी है, जो दाम है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आए और कुछ ऐसे बढ़े कि 100 रुपए के पार चली गई है पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों ने आग लगा दी है। पिछले 10 दिनों में सिलेंडर की कीमतें 75 रुपए तक बढ़ चुकी हैं, जबकि पेट्रोल शतक लगाने की तरफ बढ़ रहा है और डीजल 90 प्लस पर बैटिंग कर रहा है। ऐसे में बेशरम भाजपा नेताओं को अपनी पुरानी बातें याद करनी चाहिए और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम तत्काल प्रभाव से कम होने चाहिए।